वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फियर यानी कि फोबिया के बारे में। हर एक इंसान को कोई ना कोई चीज का डर रहता है और इस डर को हर एक नाम से जाना जाता है जो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। सबसे पहला है एक्रोफोबिया यानी कि फियर ऑफ हाइट्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है बेहद ऊंचाई का डर और इसे कहेंगे एक्रोफोबिया। एरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फ्लाइंग मींस उड़ान का डर, इसे कहेंगे एरोफोबिया। है एगोराफोबिया, जिसे कहा जाता है फियर ऑफ पब्लिक स्पेस मींस सार्वजनिक स्थान का डर, किसी किसी को सार्वजनिक जगहों पर जाने का डर रहता है जिसे कहते हैं एगोराफोबिया। उसके बाद है आइलोरोफोबिया मींस फियर ऑफ कैट्स यानी बिल्लियों का डर और बिल्लियों के डर को कहा जाता है आइलोरोफोबिया। उसके बाद है एमेथोफोबिया, एमेथोफोबिया यानी कि फियर ऑफ डस्ट यानी कोई भी धूल या मिट्टी का डर, जिसे कहेंगे एमेथोफोबिया। उसके बाद है एरेक्नोफोबिया, एरेक्नोफोबिया मींस फियर ऑफ स्पाइडर्स, फियर ऑफ स्पाइडर्स मींस मकड़ियों का डर, इसे कहेंगे एरेक्नोफोबिया। एस्ट्रोफोबिया मींस फियर ऑफ लाइटनिंग, जैसे कि बारिश के वक्त बिजली गिरती है तो बिजली गिरने का जो डर होता है उसे कहते हैं एस्ट्रोफोबिया। अगला है क्लॉस्ट्रोफोबिया मींस फियर ऑफ क्लोज स्पेस, जिसे कहेंगे बंद जगह का डर, इसे कहेंगे क्लॉस्ट्रोफोबिया। एमेटोफोबिया, इसका मीनिंग है फियर ऑफ वोमिटिंग यानी कि उल्टी होने का डर, तो इसे कहेंगे एमेटोफोबिया। एरिथ्रोफोबिया, इसका मीनिंग है फियर ऑफ ब्लशिंग और इसे हिंदी में कहेंगे शर्माने का डर, किसी किसी को लगातार या असामान्य शर्माने का डर रहता है उसे कहते हैं एरिथ्रोफोबिया। उसके बाद है आयट्रोफोबिया मींस फियर ऑफ डॉक्टर यानी कि डॉक्टरों का डर, किसी किसी को डॉक्टर के पास जाने का डर रहता है उसे कहते हैं आयट्रोफोबिया। उसके बाद है नोसोकॉम्फोबिया मींस फियर ऑफ हॉस्पिटल्स यानी कि अस्पताल का डर, तो इसे कहेंगे नोसोकॉम्फोबिया। हेमेटोफोबिया, इसका मीनिंग है फियर ऑफ ब्लड और इसे हिंदी में कहेंगे खून का डर मींस हेमेटोफोबिया। इरानोफोबिया मींस फियर ऑफ थंडर और थंडर को कहा जाता है गड़गड़ाहट का डर, तो बिजली कड़कने को या जो गड़गड़ाहट होती है उस डर को हम इंग्लिश में कहेंगे इरानोफोबिया। माइक्रोफोबिया मींस फियर ऑफ जर्म्स और स्मॉल थिंग्स यानी कि छोटे छोटे कीटाणु जो होते हैं, कीटाणु या फिर छोटी छोटी कोई भी जो जीव होते हैं उनका जो डर होता है उसे कहते हैं माइक्रोफोबिया। नेक्स्ट इज मिसोफोबिया, इसका मतलब है फियर ऑफ डर्ट यानी कि गंदगी का डर, तो मिसोफोबिया को हम कहेंगे गंदगी का डर यानी कि फियर ऑफ डर्ट। निक्टोफोबिया, निक्टोफोबिया यानी कि फियर ऑफ द डार्क यानी कि अंधेरे का डर, अंधेरे से जो डरते हैं उन्हें कहा जाता है निक्टोफोबिया। ओक्लोफोबिया मींस फियर ऑफ क्राउड्स यानी भीड़ का डर, किसी किसी को भीड़भाड़ में जाने से डर लगता है, भीड़ से डर लगता है तो उसे कहेंगे ओक्लोफोबिया। उसके बाद है ऑर्निथोफोबिया मींस फियर ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का डर, इसे कहेंगे ऑर्निथोफोबिया। उसके बाद है पैथोफोबिया यानी कि फियर ऑफ डिजीज मींस बीमारी का डर, इसे कहेंगे पैथोफोबिया। निकोफोबिया और निकोफोबिया यानी कि फियर ऑफ चोकिंग मींस दम घुटने का डर, किसी किसी को ऐसे लगता है कि बार बार मेरा दम घुटता है या फिर दम घुटने का जो डर होता है उसे कहा जाता है निगोफोबिया। उसके बाद है पायरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फायर यानी
आग लगने का या आग का डर, तो इसे कहेंगे पायरोफोबिया। फेनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फेदर्स, पर इसे हिंदी में कहा जाता है पंखों का डर, तो इसे कहेंगे ट्रेनोफोबिया। ज़ेनोफोबिया यानी कि फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, यानी कि अजनबियों से डर, यानी कि कोई कोई को अजनबियों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, तो उस डर को कहा जाता है ज़ेनोफोबिया। नेक्स्ट है ज़ूफोबिया। ज़ूफोबिया यानी कि फियर ऑफ एनिमल्स, पर इसे हिंदी में कहेंगे जानवरों का डर, जिसे कहते हैं ज़ूफोबिया। कॉस्ट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ रोलर कॉस्टर, मीन्स रोलर कॉस्टर का डर, जो बड़े बड़े झूले रहते हैं उनका जो डर रहता है, या फिर उनमें बैठने का जो डर रहता है, उस डर को इंग्लिश में कहते हैं कॉस्ट्रोफोबिया। क्लाउनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ क्लाउन्स, यानी जोकरों का डर, जो जोकर होते हैं, जो विदूषक होते हैं, उनसे जो हमें डर लगता है या फिर उनका जो डर हमारे मन में रहता है, उस फोबिया को कहते हैं क्लाउनोफोबिया। अगला है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया यानी कि फियर ऑफ डॉग्स, मींस कुत्तों का डर, इसे कहेंगे साइनोफोबिया। नेक्स्ट इज गेफरोफोबिया, मींस फियर ऑफ ब्रिजेस, मींस पुलों का डर, पुल या फिर जो सुरंग होता है उनसे जिसको डर रहता है उन्हें कहा जाता है गेफिरोफोबिया। नेक्स्ट है ग्लोबोफोबिया, मींस फियर ऑफ बलून्स, यानी कि गुब्बारों से डर लगना, या फिर गुब्बारों का जो फूटने का जो डर रहता है उसे कहते हैं ग्लोबोफोबिया। अगला है फास्मोफोबिया, मींस फियर ऑफ घोस्ट, घोस्ट यानी कि भूत प्रेत का डर, इसे कहेंगे फास्मोफोबिया। एंथोफोबिया, एंथोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फ्लावर्स, यस किसी किसी को फूलों से भी डर रहता है, तो उसे कहते हैं एंथोफोबिया। नेक्स्ट इज मैगलोफोबिया। मैगलोफोबिया यानी कि फियर ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स, लार्ज ऑब्जेक्ट यानी कि बड़ी चीजों का डर, जिसे कहते हैं मैगलोफोबिया। सेकेंड लास्ट है एक्वाफोबिया। एक्वाफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर, एक्वा को कहा जाता है वाटर, और वाटर को हम कहते हैं पानी का डर, तो एक्वाफोबिया यानी कि फियर ऑफ वाटर मींस पानी का डर। और लास्ट है काइनोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ स्नो, बर्फ का डर, किसी किसी को बर्फ का डर रहता है उसे कहते हैं काइनोफोबिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।